प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल हरदोई में पूर्व विधायक उपेन्द्र तिवारी की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और वहां आयोजित रामकथा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा तथा मंत्री रमापति शास्त्री भी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भगवान राम का चरित्र भाई, पत्नी, पुत्र, मित्र सभी को मिलकर काम करने और समाज को आगे बढ़ाने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न कराए जाने की उनकी सरकार समर्थक है। कार्यक्रम में प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि राम कथा को सुनने से लोगों में जो वैचारिक और समाज में शांति तथा परिवर्तन का संदेश जाएगा, उससे एक बड़ा लाभ लोगों को मिलेगा। सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किए जाने का समर्थक इनकी पुण्यतिथि पर रूप में समाज के संरक्षण के काम को करते हुए लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद का काम किया। श्रीराम भूमि आंदोलन से जुड़ा और आज कह लें कि श्रीराम लाल जी को मंदिर का बादल मुझे भेंट किया और आप सबको इतना ही होगा कि राम कथा को सुनने का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद देना चाहूंगी महाराज जी को कि इन्होंने हम लोगों को समय देने का काम किया और पूरा विश्वास है कि दिनों में सभी लोगों ने भाव श्रद्धा से राम कथा में होता लगा।